जय हिंद प्यारे बच्चों, आपने पहला पढ़ लिया है किरचॉफ का लॉ और वो था आपका जंक्शन लॉ। अब हम बात कर रहे हैं लूप लॉ। लूप लॉ में क्या पढ़ना है आपको? लूप लॉ में एक आपका एक क्लोज लूप होगा। तो किरचॉफ ने कहा था किसी क्लोज लूप में सारे ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम का। ठीक है ना, दो चीज समझ में आ गई। दो चीजों का एल्जेब्रिक सम है, एक तो सारे ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम और दूसरी तरफ किसके है, रेजिस्टेंस और करंट आई और आर का क्या मल्टीप्लाई करने के बाद, आई और आर का मल्टीप्लाई करने के बाद उन सब का एल्जेब्रिक सम। क्यों ऐसा समझना एक बार। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो सारे एक साइड में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस सारा कर देना मैक्सिमम, यानी कि ईएमएफ हो गया। और दूसरी साइड में यदि हम ईएमएफ बनाए पोटेंशियल बनाए तो क्या होगा, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। इसीलिए आई और आर का मल्टीपल किया और उनको करने के बाद हमें क्या मिला, वी मिला। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ वी, और वी कहां से मिला, आई आर। इन दोनों को बराबर कर देना और वही आपका कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ किरचॉफ का लूप लॉ। चलिए इनको वर्ड्स में लिख लेते हैं। किरचॉफ ने लूप लॉ में कहा था इन आ क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम, ठीक है, कौन सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, ईएमएफ, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ईएमएफ किसके इक्वल होगा, इज इक्वल किसके, टू द एल्जेब्रिक सम किसका एल्जेब्रिक सम, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। समझ में आ गई, यानी किन किन दो चीजों करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर रिस्पेक्टिव करंट के। यानी एक साइड में आपको क्या करना है, ईएमएफ रखना है, और दूसरी साइड में क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, देख लो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर रिस्पेक्टिव करंट, इन दोनों के बराबर। ठीक है ना, यानी कि दूसरे वर्ड में यदि हम कह दें तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेंगे। अब क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप आपका इस तरह से होता है, यानी कि पूरा लूप क्लोज हो, ये आपका लूप हो गया। ठीक है ना, अब इसमें देखो बेटा, ए पहले चीज समझना है, बी सी डी, तो क्लोज लूप ए बी सी डी नहीं कहलाएगा, क्लोज लूप कहलाएगा ए बी सी डी ए, दोबारा लौट के ए पर आना है। दूसरी बात, यदि इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा है तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जी रेजिस्टेंस लगा दिया, और रेजिस्टेंस का इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और आर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये बात कही थी। अब थोड़ा बड़ा टफ सा ले लेते हैं, जो तो बहुत सिंपल समझाया मैंने कि एक क्लोज लूप है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ किसके इक्वल होगा, आपका आई और आर के इक्वल होगा। ठीक है ना, वैसे मैंने गलत लगा रखा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हमेशा, तो आपको इस तरह डायरेक्शन करना होगा इसका। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल में ले लिया था जल्दबाजी में, लेकिन इसका क्या है, करंट डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल कर दो, वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं इसके लूप के थोड़ा टफ सा डायग्राम लेके, और फिर आपको समझाते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम एक लूप ले लेते हैं। ठीक है, और एक लूप लिया मैंने, एक बड़ा सा लूप ले लेते हैं। एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा ये लूप, क्योंकि मैं एनसीईआरटी वाला ही लूप ले रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा नहीं देख रहा हूँ कुछ, कि आपको तैयारी आसानी से हो जाए। ठीक है ना, देखिए बेटा,
इसमें मैंने ईएमएफ लिया, ठीक है ना, और ईएमएफ मैं क्या ले रहा हूँ जे, मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और जे एक ईएमएफ यहाँ लिया मैंने और एक ईएमएफ मैं यहाँ ले रहा हूँ, जे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस ईएमएफ का नाम मैंने ई वन दिया और इस ईएमएफ का नाम मैंने ई टू दिया। अब देखो बेटा, मैं इसमें रजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तीन रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस, दो रजिस्टेंस और तीसरा रजिस्टेंस, तीन रजिस्टेंस मैंने लगा दी, डन। अब तीनों रजिस्टेंस के नाम लिख देता हूँ, जो आपका आर वन हो गया, जो आपका आर टू हो गया और जो आपका आर थ्री हो गया, ठीक है ना। अब मैं इस लूप का इसका नाम दे रहा हूँ, यहाँ से ए बी सी डी ई और एफ, डन। अब देखो यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, सर एक तो लूप जे बन रहा है, मैं आपको बना के दिखाऊं, जे लूप बन रहा है और एक लूप जे बन रहा है और एक लूप बड़ा वाला भी तो बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला लूप जे लूप बन रहा है, एक दिख रहा है ना, इसमें तीन लूप बन रहे हैं, यानी कि तीन जगह आप इसमें लूप लो लगा सकते हैं। चलिए दोबारा शुरू करते हैं एक तरफ से और फिर आपको दोबारा समझाते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यदि मैं लूप लो से पहले मैं आपने एक पढ़ा है लूप, कौन सा लो, जंक्शन लो, ये आपका आर थ्री था, ठीक है, लॉक हो गया था। जंक्शन लॉ की बात करें तो यदि मैं कहूं कि मेरे पास यहां से ई वन से जो करंट निकल रहा है वो मेरे पास आई वन करंट है, कौन सा करंट है, आई वन, स्मॉल आई वन लिखते हैं, सो ठीक है ना, जो करंट निकल रहा है वो कितना है आई वन, ठीक है, दिख रहा है आई वन। यदि मैं कहूं ई टू से जो करंट निकल रहा है और वो कितना होगा मेरे पास, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है I2। अब देखो बेटा यदि इस सेल से I1 करंट निकल रहा है तो इस सेल पर करंट आ कौन सा रहा होगा, I1 ही करंट आ रहा होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, यानी जितना एंटर करता है वो जितना एग्जिट करता है उतना ही एंटर करता है, तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया R1 I1, बात समझ में आई ना, कि यदि यहां से I1 निकल रहा है तो इस पर आ भी कितना रहा होगा I1, ठीक है ना। अब दूसरा आते हैं, यहाँ से I2 निकल रहा है तो यहाँ से आ कितना रहा होगा, लौट के भी इस पर कितना आ रहा होगा, I2 ही आ रहा होगा, यानी इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा तो कितना होगा I2 into R3। अब आते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर करंट कितना होगा, याद करो किरचॉफ का जंक्शन लॉ, टोटल एंटरिंग करंट कितना है I1 plus I2, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा I1 plus I2, इतना करंट यहाँ से एंटर कर रहा है। अब तो आपका बन गया काम, ठीक है ना। यदि मैं आपकी किस लूप की बात करूं, लूप मैं ले लेता हूं ई, देखो कौन सा मैं बोल रहा हूं, ई एफ सी डी ई, यानी ऊपर वाला लूप ले रहा हूं, तो यदि मैं क्लोज लूप लूं, क्लोज्ड लूप, कौन सा क्लोज लूप बेटा, देखना ई एफ सी डी ई, यानी कि पूरा लूप के लिए आपको नाम लिखना होता है, ठीक है ना। यदि मैं क्लोज लूप लूं तो इसमें ई एम एफ, ई एम एफ की वैल्यू कितनी है, अभी समझाऊंगा, एक चीज और समझाऊंगा, अभी देखना ईएमएफ की वैल्यू थोड़ा गौर से देखते रहना, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है ई वन, किसके इक्वल होगा, अब इसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस है देखना, अभी आई वन आर वन और दूसरा कौन सा है करंट आई टू, आई वन आई टू, आई वन आई टू और कौन सा मल्टीप्लाई बाय आर टू। अब मैंने कहा सम, एल्जेब्रिक सम बोला, मैंने सम नहीं बोला, तो अब देखते हैं सबसे पहले करना क्या है। इसमें आपको अपने मन से एक क्लोज लूप में एक लूप बना देना है, सर्किल बना लिया, अब क्या करना है अपने मन से ही एक डायरेक्शन बना दो जो तुम्हारी मर्जी हो, क्या है जो तुम्हारी मर्जी हो डायरेक्शन बना दो, बना दिया सर मैंने एक डायरेक्शन बनाया, सर्किल सीधा होना चाहिए, सर नहीं कि दोनों तरफ सेम डायरेक्शन बना दो, सर्किल पर मर्जी से सेम डायरेक्शन बना दो, बना दिया। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है इसका, दिख रहा पॉजिटिव टर्मिनल, अपना डायरेक्शन इसके पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन के सेम है, अपना डायरेक्शन इसके करंट के डायरेक्शन से सेम जा रहा है, अपना डायरेक्शन है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन पर सेम है, तो ये अपना ईएमएफ आएगा पॉजिटिव में। अब आते हैं करंट पर, करंट का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन मैच कर रहा है, देखो सेम मैच कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा, और दूसरा करंट का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन और अपना डायरेक्शन मैच कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। जी आपका बन गई एक क्वेश्चन नंबर वन, और इसे ही हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। अब देखो दूसरे के लिए, यदि मैं क्लोज लूप आपका लूँ,
क्लोज्ड लूप। यदि मैं क्लोज्ड लूप दूसरा लूँ कौन सा देखना बेटा, एफ ए बी सी एफ, एफ ए बी सी एफ यानी कि नीचे वाला। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ई एम एफ कौन सा दिख रहा है, ई टू दिख रहा है बेटा, ई टू इक्वल टू लगा दिया। अब किसका मल्टीपल है, मल्टीपल है आर टू ब्रैकेट में कौन सा आई वन प्लस आई टू, और फिर क्या है आई टू आर आर थ्री, सॉरी मुझसे लगा, देखो जो आर थ्री लगा हुआ ना, तो आर थ्री ब्रैकेट में आई टू। अब आप पॉजिटिव लगाना कि नेगेटिव लगाना उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फिर सर्किल बनाएंगे। सर्किल बना दिया, अब देखो हम बना रहे हैं फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन बना दिया अपने मन से, पॉजिटिव टर्मिनल और अपना डायरेक्शन सेम है तो ई टू पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो आई का डायरेक्शन अपना डायरेक्शन मैच कर रहा है तो आई वन आई टू वाला पॉजिटिव होगा, क्या जे बी मैच कर रहा है आई टू का डायरेक्शन, बिल्कुल मैच कर रहा है तो जे बी क्या होगा पॉजिटिव हो गया, एक आपका दूसरा लॉ बन गया। अब थोड़ा मैं टफ करूँगा ठीक है ना, इस बार जब आपके दो समझ में आ गए ठीक है। अब एक लूप और भी बन सकता है बेटा, कौन सा वाला, बड़ा वाला लूप। यदि मैं कौन सा लूप लूँ, यदि मैं आपका लूप लूँ क्लोज लूप, दिख रहा है ना क्लोज्ड, क्लोज्ड लूप। अब मैं बड़ा वाला ले रहा हूँ ए बी सी डी ई ए, दिख गया ए बी सी डी ई एफ ए, सॉरी ई एफ ए, ये वाला लूप लिया हमने बड़ा वाला ठीक है ना, बड़ा वाला लूप ले लिया। कौन कौन सा लला है अपना बड़ा वाला, ए बी सी डी ई एफ ए ठीक है। अब इसको देखो, इसमें ई एम एफ देखते हैं कौन कौन से हैं, दो ई एम एफ हैं ई, और हमें इसमें से कोई मतलब नहीं क्योंकि जब अपने लूप में आ ही नहीं रहा, जब लूप में नहीं आ रहा है ठीक है ना, ये पार्ट अपने लूप में नहीं है इसलिए मतलब नहीं है। हमारे पास दो ई एम एफ हैं ई वन और ई टू, ई वन यहाँ लिख थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, ई वन और ई टू इक्वल को साइन लगाया, अभी साइन नहीं लगाएंगे ठीक है, ध्यान रखना ई वन ई टू ई एम एफ लिख लिए दोनों ठीक है, क्योंकि इस लूप में ई वन ई टू आ रहा है। अब करंट कौन कौन सा आ रहा है, अब आ रहा है आपका आर वन आई वन, आर वन आई वन, और दूसरा क्या आ रहा है जो तो अकाउंट में आएगा नहीं, दूसरा क्या होगा आर थ्री, आर थ्री आई टू, आर थ्री आई टू मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। अब आते हैं सर डायग्राम पर, सर्किट का डायरेक्शन क्या लगा, एम ई एम एफ की वैल्यू क्या, सॉरी साइन कैसे लगेंगे ठीक है ना। साइन के लिए देखो मैं अपने मन से एरो लगा दिए, मैंने सर्किल बनाया बड़ा वाला क्योंकि बड़े वाले लूप की बात कर रहे थे, और एरो अपने मन से लगा दिए। अब देखो पॉजिटिव यानी कि ईवन तो पॉजिटिव होना ही होना है, पॉजिटिव टर्मिनल अपना डायरेक्शन सेम मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपना डायरेक्शन कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव से। अपना डायरेक्शन कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव से। अपना डायरेक्शन कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव से। यहाँ अपना डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से, लिए पॉजिटिव लगा दिया। अपना डायरेक्शन नेगेटिव से निकल रहा है इसलिए कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो करंट पर, अपने करंट का दोनों सेम है तो दोनों पॉजिटिव हैं, आई वन हमेशा पॉजिटिव दिख गया आप है क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम मैच कर गए। अब देखो आई टू अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है मतलब क्या लगाना है, माइनस लगाना है, बन गया अपना लो ठीक है ना। तो ई वन माइनस ई टू इक्वल टू आर वन आई वन माइनस आर टू आर थ्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो आप रिवाइंड करके देखिए, फिर मैं आपको कुछ स्टेप्स समझा रहा हूँ इसके, और स्टेप्स के बाद आपको बात करूँगा कि काम कैसे करता है। इतना समझ में आ गया आपकी कहानी, यानी कि तीन लूप बन गए इसमें, वन टू थ्री। इस लूप को समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना। अब मैं अपने खुद के अपने क्रिचॉफ के जो लूप लॉ है उसके लिए कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना देता हूँ ठीक है ना, जिसे समझ के आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको देख के ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है ठीक है, वैसे रफ पर लिख लीजिए, कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे पॉइंट्स क्या है कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मेरे अपने हैं इसलिए आपको इनको ट्रिक समझिए ठीक है ना। ट्रिक फॉर मैं लिख देता हूँ, ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग या फिर मेकिंग इक्वेशन, फॉर मेकिंग मेकिंग इक्वेशन इक्वेशन एज लूप लॉ, किरचॉफ का लूप लॉ, एज किरचॉफ किरचॉफ लूप लॉ। जो भी ट्रिक्स है ठीक है ना, तो आपको याद रखनी है
ठीक है, कौन कौन सी ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स पे स्टाइल आगे लिखता हूँ। इन ट्रिक्स को आपने याद रखा, ट्रिक्स फॉर मेकिंग इक्वेशन, जो मैंने क्वेश्चन बनाई थी तीन इक्वेशन कैसे बनी थी उसकी ट्रिक्स क्या है, तो उनकी ट्रिक को आपको याद रखनी है और कैसे याद रखनी है वो समझा देता हूँ। केवल पांच स्टेप है या फिर चार स्टेप होंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला, पहली ट्रिक क्या है इसकी, कौन से लॉ के लिए है, किरचॉफ लूप लॉ के लिए, जैसे लॉ तो समझ गए थे आप। पहली ट्रिक है सिलेक्ट या फिर चूज द क्लोज लूप। पहले कोई क्लोज लूप सिलेक्ट कर लो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपको दिखाया था क्वेश्चन में भी मैंने कि आपने इसमें इस तरह का था ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर आपको एक ई एम एफ मिला था ई वन, और यहाँ पर मिला था ई वन, और यहाँ पर मिला था ई टू, यहाँ रेजिस्टेंस आपके थे जे आर वन था, यहाँ पर आर टू था, और यहाँ पर आर थ्री था। याद आ रहा है, थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लोज लूप। अब इसमें आपको तीन क्लोज लूप दिख रहे हैं, एक छोटा नीचे वाला, एक ऊपर वाला या बड़ा वाला। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्लोज लूप सिलेक्ट कर लेना है, चूज एनी क्लोज लूप, ठीक है ना। नंबर टू, दूसरा काम क्या करना है इसके बाद, आपको अपने मन से एक डायसा बनाना था, कोई भी सर्कल बना लो नीचे, जिसकी जिस लूप की बात कर रहे हैं, नीचे वाली लूप की बात कर रहा हूँ, सर्कल बना लिया और उसमें दो डायसा बना दिए, ठीक है ना। तो दूसरा काम क्या था, अज्यूम एनी डायरेक्शन, जो तुम्हारी मर्जी हो, अज्यूम एनी डायरेक्शन, जो आपकी मर्जी हो वो डायरेक्शन बना लो, ठीक है ना। दूसरा काम क्या होगा, अज्यूम एनी डायरेक्शन। अब तीसरा क्या था आपका, तीसरा आप चेक करना था कि ई एम एफ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही चेक करना था ना। तो तीसरा काम था, ई एम एफ इज पॉजिटिव कब, ई एम एफ इज पॉजिटिव कब, इफ डायरेक्शन गोज, कौन सा अज्यूम डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, अज्यूम अपना अज्यूम, ठीक है ना, अज्यूम डायरेक्शन गोज थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल। समझना, यदि हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, देखो यहाँ से कहाँ से निकल रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव होगा। यदि हमारा डायरेक्शन ऐसा होता, देखो अभी बना रहा हूँ दोबारा से, यदि हमारा डायरेक्शन ऐसा होता, ठीक है ना, ये देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अपना डायरेक्शन, इफ ई एम एफ इज पॉजिटिव, अज्यूम डायरेक्शन इज गोज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो ई एम एफ पॉजिटिव होगा। और यदि यही सी का उल्टा होता, यदि ये इस तरह है, किस तरह होता, इस तरह से होता, तो कहाँ से निकल रहा डायरेक्शन, नेगेटिव से निकल रहा। और यदि यही यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो ऐसा होता, देख रहे हो दोनों अपोजिट है इसके, यदि ऐसा होता तो अब ये कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नीचे वाला देख लो, पॉजिटिव से निकल रहा है, दिख रहा है पॉजिटिव निकल रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव से निकल रहा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यही दिखा है, ई एम एफ इज पॉजिटिव इफ अज्यूम डायरेक्शन गोज थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, अज्यूम डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो पॉजिटिव है। और यदि आपने ये नहीं माना है, आपकी मर्जी थी, कैसे ही मान सकते हैं, यदि नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो ई एम एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट है आई और आर का मल्टीपल, आई इंटू आर, देख रहा था मैं किसका मल्टीपल करना था, इसमें बहने वाले करंट का, इसमें करंट कितना बहेगा, जो भी करंट मैंने माना था आपका, यानी कि ये मैं कह दूँ आई टू, तो आई और आर का मल्टीपल, ठीक है ना, आई आर का मल्टीपल इज पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव इफ इट इज सेम इन अज्यूम्ड डायरेक्शन। यदि हमारा अज्यूम डायरेक्शन से, देखो अब जब अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा, यदि हमारा अज्यूम डायरेक्शन, यदि मैंने अज्यूम डायरेक्शन ऐसा बनाया, ऐसा, तो क्या होगा, आई और आर का जो मल्टीपल मैंने किया था वो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि अज्यूम डायरेक्शन के साथ में है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई, देखो दोबारा से देखो, एक बड़ा सा सर्किट बना लेता हूँ और फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, बड़ा सा सर्किट बनाता हूँ, देखो इसमें
सारे रूल एक ही बार में समझा देता हूँ। ये आपका EMF हो गया प्लस माइनस और EMFE, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और करंट कहाँ से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये आर वन। अब आपने सर्किल बना लिया ये, ठीक है ना। पहला क्या क्या है लूप, यही चूज करना है। तो ए बी सी डी, ए आपने एक लूप चूज कर लिया। दूसरा काम क्या है, अज्यूम डायरेक्शन, डायरेक्शन बनाना है, सर्किल बना के क्या करना है, डायरेक्शन बना लिया। मैं डायरेक्शन ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, देखो उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ईएमएफ इज पॉजिटिव, अब ईएमएफ पॉजिटिव होगा इफ अज्यूम, देखो बेटा अब डायरेक्शन हमारा और नेगेटिव से निकल रहा, पॉजिटिव से निकल रहा, पॉजिटिव से निकल रहा तो पॉजिटिव होता, नेगेटिव से निकल रहा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ई वन इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या करना है, आई और आर का मल्टीपल जी सेम डायरेक्शन में, देखो क्या लिखा है, आई आर का इज पॉजिटिव इफ इज अ सेम डायरेक्शन इन अज्यूम डायरेक्शन, अज्यूम डायरेक्शन के सेम होता तो पॉजिटिव होता, या तो अपोजिट में है इसलिए पॉजिटिव नहीं होगा, तो ई वन आई आर ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो कितना जाएगा, ई वन इक्वल टू आई आर वन, सिंपल सी बात है, आपका सॉल्व हो जाएगा। आप उल्टा भी कर रहे होंगे तब भी यही निकलेगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, हमें लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।